नारनौल से 15 किलोमीटर दूर नांगल चौधरी के पास बने सिरोही भाली टोल प्लाजा पर अज्ञात कार सवार युवकों द्वारा गोली चलाए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गोली टोल प्लाजा के एक कर्मचारी को भी लगी है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर नांगल चौधरी पुलिस भी पहुँच गई। नेशनल हाईवे नंबर 148B पर नांगल चौधरी कस्बा के नज़दीक सिरोही भाली गाँव में टोल प्लाजा बना हुआ है। बताया जा रहा है कि इस टोल प्लाजा पर आज सुबह अज्ञात फॉर्चूनर कार सवार बदमाशों द्वारा गोली चलाई गई। फॉर्चूनर कार सवार बदमाशों ने टोल पर मोटरसाइकिल निकलने वाली लाइन में अपनी कार लगा दी। इस बात को लेकर टोल कर्मियों से उनका विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई पर आ गई, जिसके बाद कार सवार में से किसी एक ने गोली चला दी। यह गोली टोल कर्मचारी हरीश कुमार के गले को छूकर चली गई, जिसमें हरीश कुमार घायल हो गया। घायल को नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया गया। गोली चलने की सूचना टोल कर्मचारियों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। इस टोल पर विवाद होना कोई नई बात नहीं है, अब से पहले भी अनेक बार टोल को लेकर विवाद हो चुका है। सिरोही भाली पर अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वहीं इस टोल प्लाजा पर कई बार तोड़फोड़ भी हो चुकी है। टोल प्लाजा के असिस्टेंट मैनेजर सोनू यादव ने बताया कि एक फॉर्चूनर गाड़ी टोल प्लाजा पर बनी टू व्हीलर लाइन में ज़बरदस्ती लगा दी, जिसको लेकर हमारे कर्मचारियों ने आपत्ति जताई। इसी दौरान फॉर्चूनर में बैठे एक व्यक्ति ने फायर कर दिया, जो हमारे एक कर्मचारी को लगा है। सोनू यादव ने बताया कि फायर करने के बाद गाड़ी में सवार लोग जयपुर की ओर भाग गए। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। इस मामले में DSP हरदीप सिंह का कहना है कि टोल पर हुई घटना को लेकर उनके पास में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई है, अगर शिकायत आएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जबकि नारनौल नागरिक अस्पताल में तैनात डॉक्टर सुरेंद्र कुमार के अनुसार एक व्यक्ति उनके पास में आया था, जिसके गले को छूकर गोली निकाली हुई है और घाव को देखते हुए घायल व्यक्ति को रेफर कर दिया गया है। मामला कुछ ऐसी टोल के ऊपर गाड़ी आई थी, फॉर्चूनर थी कोई, HR 12 नंबर के अंदर। वो जो बाइक लाइन है वहाँ पे आके खड़ी हो गई। हमारे कर्मचारी ने बोला कि बाइक लाइन आपकी गाड़ी की लाइन है, आप गाड़ी को पीछे करिए। उन गाड़ी पीछे ना करके हमारे कर्मचारी को ऊपर हाथ उठा दिया, मारपीट करने लगी। एक अकेला कर्मचारी उनको बोलने के लिए गया था, जो अपना लाइन ऑपरेट कर रहा था। उसके बाद में 4-5 लोग थे, उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया। उसके बीच बचाव में हमारे टोल वाले कर्मचारी गए, जिसके ऊपर जब हमारे टोल वाले कर्मचारी गए तो उनके साथ आता कोई, बाद में उन्होंने गोली मार के जिसके हमारे कर्मचारी गर्दन के ऊपर गोली लगी, जिसका नाम हरीश है। और गोली लगने के बाद के अंदर गोली मार के वो गाड़ी में बैठ के और पनियाला साइड चले गए। तो इस बारे में पुलिस को सूचना दे दी? हाँ, पुलिस को सूचना दे दी, इसमें SS साहब को सूचना दे दी, हमने 112 कॉल कर दिया। ये नांगल चौधरी से नारनौल तरफ आ रहे थे, तो जो बीच में जो टोल आता है तो वहाँ टोल के पास उनको गोली मार दी गई थी, जो कि उनके चेहरे पे लगी थी। और हमने यहाँ पर उनका प्राथमिक उपचार करके और उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पेशेंट का नाम हरीश है, जो कि नांगल चौधरी का रहने वाला है। टोल को लेके कोई झगड़ा हुआ है? अभी कोई लिखित दरखास्त हमारे को प्राप्त नहीं हुई है, उसकी जांच अभी जारी है। सर, सुनने में आ रहा है गोली भी चल रही है, जिसमें डॉक्टर ने भी कहा कि गोली एक युवक को लगी है, जिसका नाम हरीश है। उसका भी मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है, जैसे ही वो आ जाएगी उस पर तुरंत कार्रवाई कर दी जाएगी।